Hey, so what's up everyone? I hope you guys are doing absolutely great. So guys, हमारे यहाँ पे खड़ी है हमारी राम प्यारी. काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, भैया इसका सारा का सारा पूरा एक डिटेल बताओ क्या क्या लगा हुआ. उस डिटेल को बताने से पहले एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल वीडियो क्यों ना कर लें कि यार कैसे हमने क्या क्या चीज़ें लगवाई हैं. सो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है इसके ऊपर, क्या कहते हैं इसको, फ्रेम स्लाइडर्स. सो फ्रेम स्लाइडर्स KTM के लिए, इवन R15 के लिए. सो अलग अलग बाइकों के लिए आपको यूनिवर्सल फ्रेम स्लाइडर्स मिल जाएंगे. अगर मैं यहाँ पे इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो इट्स रियली टफ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. खास करके ये इसके ऊपर पूरा फ्रेम सेट हो गया है, टाइट कर दिया गया है. एलिंग की से यहाँ पे नट्स हैं और ये आपको पूरा जो इंजन है उसको बचाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है. सो कहाँ से लगवाया, कैसे लगा, कितने का लगा, सब कुछ मिलेगा आपको. आगे देखो वीडियो, सब पता चल जाएगा. Hey everyone, I hope you guys are doing absolutely great. So guys, थोड़े दिन पहले अगर आप देख रहे हो मेरी नॉन स्टॉप सीरीज चल रही है हमारी KTM मॉडिफिकेशन की, एंड काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन हमने इसके अंदर कराई है. सो यार टेल टाइडी वगैरह लग गई है अब इसके अंदर. तो एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो इस बाइक पे लगानी, मेरे को काफ़ी टाइम से हो रहा था कि यार लगानी ही लगानी है, दैट इज़ द फ्रेम स्लाइडर्स. सो आज हम कहाँ पे हैं, हम हैं आपके PGX पे, हब ऑफ मॉडिफाइड एसेसरी, जहाँ पे आपको LED एग्जॉस्ट, मोटर गियर्स और सारी चीज़ें, बेसिकली सारी चीज़ें मोटरसाइकिल रिलेशन में आपको यहाँ पे मिल जाती है. यहाँ इसमें जितनी भी मॉडिफिकेशन आप यहाँ पे बाइक पे देख रहे हैं वो सारी की सारी हुई है आपकी यहीं PGX से. सो गाइज़ अब बात आती है फ्रेम स्लाइडर्स की. सो अंदर चलते हैं, भैया से बात करते हैं और पूछते हैं कि कौन कौन से फ्रेम स्लाइडर्स हमारे KTM के अंदर मिल जाएंगे. बाकी अभी ही इससे पहले एक आपने देखी होगी, मैंने अभी इसमें रिसेंटली टेल टाइडी ऐड करी है. तो कुछ हद तक लुक टेल टाइडी की आ रही है ऐसी. इसकी पूरी वीडियो है जिसमें प्राइस वगैरह सब कुछ बताया गया है और एक्चुअल में कैसी फिटिंग होती है, कैसी लगती है, वो सब कुछ दिखाया गया है उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जिसका कार्ड आ रहा है ये ऊपर. सो अंदर चलते हैं और अंदर चल के भैया से पूछते हैं कि यार फ्रेम स्लाइडर्स के पैसे कितने हैं और कौन कौन से डिज़ाइन हमें मिल सकते हैं और एक्चुअल में कौन कौन सी बाइक के भी फ्रेम स्लाइडर्स भैया के पास मिल सकते हैं. क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि यार आप में से सबके पास KTM ही है, तो यार और भी अलग अलग मॉडल्स होंगे तो आपको पर्टिकुलर चाहिए ही चाहिए होगा. सो चलते हैं बात करते हैं. सो गाइज यहाँ पे सामने आप देख सकते हो अलग अलग तरीके की स्लाइडर की सारी रेंज लगेगा और हमें हेल्प करेंगे पुनीत भैया बताने में कि किस किस का कितना कितना प्राइस है और कौन कौन सी बाइक्स पे कौन कौन से मॉडल लग सकते हैं. बिल्कुल, देखो आप यहाँ से स्टार्ट करो, ये पूरी रेंज है V3 बाइक के लिए. ओके, इसकी जो फिटिंग है ये प्रॉपर V3 के लिए है. इसमें कुछ अलग से पत्ती या ब्रैकेट कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये लगेगा. इसकी बिल्ड क्वालिटी है एल्यूमिनियम और इसमें एनोडाइजिंग हुई हुई है, पाउडर कोटिंग नहीं है, ये एनोडाइजिंग है. ओके, आप पीस भी उठा के देख सकते हो कि कितना इसका हैवी है. सो ऑलमोस्ट 1.25 किलो के करीब होगा एक पीस. इसके अंदर आपको कलर ऑप्शन ब्लैक, सिल्वर, ब्लू और एक इसमें टाइटेनियम कलर आता है, वो चार ऑप्शन है बिल्कुल. ओके, उसके बाद अगर हम आगे चले तो ये है यूनिवर्सल स्लाइडर. एक बार नरेंद्र एक सेकंड रुक जा, वो आवाजें आएंगी अब करो दोबारा उसको बोलो. उसके बाद अगर हम यहाँ पर चलते हैं तो ये है यूनिवर्सल स्लाइडर्स. ओके, ये हम किसी भी बाइक में लगा सकते हैं. हाँ, और इसके साथ क्या है, पीछे ब्रैकेट लग जाएगा. ओके, जैसे कि RS होगी, RC होगी, आपने देखा आपकी बाइक में भी यही सेम लगाया मैंने, ठीक है. उसके अलावा हर बाइक के लिए जो ज्यादा ट्रेंडिंग में उनके ब्रैकेट अलग से मिल जाएंगे. ओके, और ये लग जाएगा उसमें. ओके, ये बेसिकली कॉमन है, यूनिवर्सल है ब्रैकेट. जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप, ये RS का ब्रैकेट है. ओके, तो हर बाइक के हिसाब से एक पीछे, क्योंकि हर की फिटिंग अलग अलग है, पीछे फिटिंग अलग है तो ये क्लैंप अलग हो गए. और ये यूनिवर्सल, आप कोई भी कलर ऑप्शन आप देख सकते हो. तो इसमें एक चीज का ऑप्शन है कि यार आपको सिल्वर, गोल्डन, ऑरेंज, रेड, ब्लू, ग्रीन, टाइटेनियम और ये टाइटेनियम. तो ये इतने सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कलर ऑप्शन जो है वो आपके पास. बिल्कुल, ये उससे पहले ये मॉडल पहले ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में था. हाँ, ये काफी ज्यादा मैंने KTM वगैरह में भी लगा हुआ देखा है, लेकिन अब इसका थोड़ा सा मार्केट कम हो चुकी है क्योंकि ये बहुत अच्छे डिजाइन एक्चुअली ये स्लीक है और वो भी है. ये सेमी सॉलिड है, ये पूरा सॉलिड है पीस, आप उठा के देखो ये पूरा कंप्लीट वन पीस है, ग्रेड अच्छा है इसका. हाँ, इसलिए. और ये देखो इतने सारे, मतलब ये सेफ्टी वाइज ज्यादा बेटर है. ये भी चलता था, ये भी आजकल इसकी डिमांड कम हो गई है. अरे लुक में भी अगर मैं बोलूं तो ये लुक काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लगती है. ओके, सो और क्या है भैया, वो कोने भी क्या है, वो पतले पतले
ये भी एक स्लाइडर्स है लेकिन इनका कोई आप कह सकते हो कोई खास यूज नहीं है, जस्ट फॉर लुक है। तो भैया हमारी यूजुअली अब इनकी स्लाइडर्स की कॉस्टिंग कितनी कितनी आती है, जैसे V3 वाले की अगर हम बात करें? इनकी कॉस्टिंग है 1100 1100 ओके, और इनकी कॉस्टिंग भी 1100 है, और जो ब्रैकेट है उनकी कॉस्टिंग डिफरेंट है। ब्रैकेट जैसे आपकी उसमें लगवाया तो KTM RC का 900 ब्रैकेट का कॉस्ट है, RS का भी 900 है। ओके, तो यार अगर आप अपनी बाइक में एक फ्रेम अच्छे ब्रैकेट मिल जाएंगे तो यार बहुत अच्छा है। बाकी भैया ने प्राइसेस वगैरह बता दिए, वो वाले लगवाने का कोई फायदा नहीं। अभी ये दो अच्छे डिजाइन दिखाए हैं जो कि लुक वाइज भी काफी अच्छे लग रहे हैं, और अगर मैं वैसे बात करूं तो देखने में काफी सही है, एंड वेट वाइज भी बात करें तो वेट वाइज भी काफी सही है, एंड अच्छा मेरे को लगता है कि प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो भैया वैसे अगर हम वैसे सोचें कितनी स्पीड तक ये बचा लेगा कुछ हद तक इसका? देखो ऐसा कोई ट्रायल तो हुआ नहीं, लेकिन इसका जिस जिस बाइक में लगाया है अच्छा ही इसका रिजल्ट आया है, कोई प्रॉब्लम इसमें ऐसा नहीं मिली मेरे को। ओके, सो गाइस अभी चलते हैं और अपनी बाइक में फिटिंग हो रही है, तो फिटिंग आपको दिखाता हूँ कैसे हो रही है और क्या लुक आती है, क्योंकि रात हो रही है, आप देख रहे हो बाहर रात हो गई। ज्यादा बेटर तो आप ही बता पाओगे ना। मैं क्रैश नहीं करने वाला इसको चेक करने के लिए, करवाना भी नहीं है इसको चेक करने के लिए, भाई मैं क्रैश नहीं करने वाला। तो एक बार फिटिंग हो जाती है फिर उसके बाद सुबह मिलते हैं और सुबह आपको दिखाता हूँ कि क्या लुक आ रही है क्रैश गार्ड्स की। तो भाई साहब जब भी आप फ्रेम स्लाइडर्स लगवाते हैं तो मेरे को ये था कि शायद बिना फ्रेम खोले ही हमारी जो फ्रेम स्लाइडर्स की पत्ती है वो फिट हो जाएगी यहाँ पे, बट नहीं, आपको पूरा दोनों साइड के जो आप देखेंगे फ्रेम वो पूरे के पूरे उतर चुके हैं हमारे, हमारी बाइक जो है वो बगैर कपड़ों के हो गई है। और भैया इसके जो फिटिंग है वो तैयार कर रहे हैं जिसके ऊपर एक्चुअल में पूरा जो फ्रेम स्लाइडर है वो फिट होना है। सो अभी भैया इसको फिट करते हैं तो फिर आपको दिखाता हूँ क्या लुक आती है फ्रेम स्लाइडर्स की लगने के बाद। एक और पार्ट आया है KTM RC के लिए, RC 200 RC 390 दोनों में फिट हो जाता है। इट्स लाइक जाली, जैसे आप अलग अलग रॉयल बुलेट वगैरह पे देखते हो, बुलेट पे देखते हैं तो वो फ्रंट पे जालियां लगाई होती है ताकि जो हेडलाइट है वो बच सके, तो ये भी जाली आपकी एक तरीके से जो प्रोजेक्टर है उनको बचाने में हेल्प करती है। बट ठीक है, डिफरेंट सा प्रोडक्ट है, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है यार, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। बाकी भैया हैं, भैया इसके पैसे कितने हैं? ये ग्रिल की कॉस्टिंग है 900 900 यस। फिटिंग करके? फिटिंग के लिए अलग, फिटिंग के लिए अलग। तो भाई वो सब ऑल ओवर इंडिया वो सब फिटिंग के बगैर होते हैं। ओके, सो गाइस 900 रुपए की आपको ये वाली जो ग्रिल है जो मैंने अभी आपको दिखाई, तो ये मिल जाएगी आपको ये वाली ग्रिल अगर आप लगाना चाहते हो। कुछ डिफरेंस है, ऐसे लग रहा है हमने प्रोजेक्टर को जेल के अंदर बंद कर दिया, ऐसा सा लग रहा है, नहीं लग रहा, लग तो रहा है वैसे, बट कुछ डिफरेंट है कह सकते हैं, जैसे हम बुलेट वगैरह पे लगाते हैं बचाने के लिए, तो वैसा सब कुछ जुगाड़ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहते हैं, अभी और भी चीजें नई लेकर आए हैं। एक भैया वो वाइजर दिखा दो जरूर, वाइजर जरूर दिखा रहा हूं। तो दिखाओ ना एक बारी, निकालो निकालो। तो भैया एक बारी निकालते हैं, भाई फ्रंट का वाइजर आया बिल्कुल नया सा, वो एक बारी दिखाते हैं। सो गाइस ये आया है कुछ स्पेशल आपकी RC के लिए, एंड भैया दोनों RC 200 390 सब पे लग जाएगा? बिल्कुल। ओके, सो दोनों पे ये लग जाएगा। सो भैया इसको क्या कहते हैं? इस वाले में तो छुप जाएंगे। तो गाइस बेसिकली अगर मैं वैसे आपको बताऊं तो ये आपका फ्रंट का जैसे प्यूक का वाइजर वगैरह होता है एक तरीके से, वो क्या, क्योंकि हमारी जो KTM आता है वो यूजुअली इस शेप के अंदर आता है, ठीक है, ये वाला एरिया पूरा होता है उसके अंदर, बट इसके अंदर आपको ये वाला पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा मिल रहा है। सो ये आपका जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है उनको भी कवर कर लेगा। सो वाइट अगर आप लोगे तो एक तरीके से आपके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो है वो अंदर सेफ हो जाएंगे, बट अगर आप ब्लैक लेते हो तो ये दिन में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है, क्योंकि लोग परेशान हो जाएंगे कि भाई हेडलाइट गई का, और जब आप हेडलाइट जलाओगे तब भी लोग परेशान हो जाएंगे कि ये अंदर वाइजर के अंदर से लाइट कहाँ से जल रही है। तो भाई ये तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही अलग सा कॉन्सेप्ट होने वाला है, और मेरे को लगता है कि यार ये लगने के बाद बहुत सुंदर लगेगा। मैं अपनी पे नहीं लगवाने वाला क्योंकि उसमें सारे स्टिकरिंग वगैरह लगी है, विंगलेट वगैरह लगवा रखे हमने, तो यार मैं उसके लुक को अभी और चेंज नहीं करना चाहता। भाई इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है, बट इसको एक बारी रख के जरूर दिखाएंगे, रख के दिखाएंगे। ओरिजिनल जो इसकी कॉस्ट है वो 10,000 है। ओके, जो ओरिजिनल आता है, ओरिजिनली आता है जिसकी कॉपी है। ओके, और ये वैसे हम आपको 2400 में दे देंगे, 2400 प्लस फिटिंग। कितनी फिटिंग इसमें? 250। ओके, सो गाइज एक चीज़ हमेशा याद रखना कि यार भाई पुनीत भैया के पास जब भी हम आते हैं, क्योंकि इनका होलसेल का काम है, सो आपको जो भी प्राइजेस बताए जाएंगे वो हमेशा एक्सक्लूडिंग फिटिंग होंगे, इंक्लूडिंग नहीं होंगे।
तो पुनीत भी एक बार इसको बाहर लेकर आते हैं, ऐसे रख के देखते हैं कि कैसा लग रहा है। बिल्कुल। तो ब्लैक वाले को हम लेके चल रहे हैं और देखते हैं एक बार लुक कैसी आ रही है इसकी। सो कुछ हद तक ये आपका पूरा ऐसे कवर कर देगा। तो एक तो वाइजर भी ये ऊंचा हो गया, लगने के बाद ये और ऊंचा हो जाएगा, प्लस पूरी लुक एरोडायनामिक, डबल बबल, और असली डबल बबल यही है, और स्पोर्टी हो गया काफी ज्यादा। एक्चुअल में अगर मैं वैसे बात करूं तो ये काफी ज्यादा स्पोर्टी भी हो गया। किसी ने डिकैल्स नहीं लगवाए हुए तो उसके साथ तो ये बहुत अच्छा सूट करेगा, मजा आ जाएगा। और व्हाइट से ज्यादा मेरा भी पर्सनल, मैंने वो स्मोक ज्यादा कलर बेटर लगा, बेटर लग रहा है। बट व्हाइट की अपने अपनी लुक है कि आप उससे ग्राफिक्स करवा सकते हैं। बिल्कुल राइट। तो ये चीज़ है। तो गाइज मेरे फाइनली जो फ्रेम स्लाइडर्स हैं वो लग गए हैं, और अगर आप यहाँ देखोगे तो ये फ्रेम स्लाइडर्स ये लग गए हैं पूरी फिटिंग के साथ, और यहाँ पे इस तरफ लाइट आ रही है, और ये वाला पूरा सेक्शन जो पाइप पे ऊपर था इसमें पूरी नीचे होल्डर लगा है, एंड देन पूरे फ्रेम स्लाइडर्स लगे हैं। तो यार लुक आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी लग रही है, एंड काफ़ी सॉलिड भी है ये। तो यार अगर आप फ्लेम स्लाइडर्स लेना चाहते हो या आप लेना चाहते हो फ्रंट वाली बबल स्क्रीन, तो यार आपको पता है आपको किसके पास आना है। आपको आना है सिर्फ और सिर्फ पुनीत भैया के पास, जिनका है PGX करोलबाग के अंदर। एड्रेस और नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बहुत सारी वैरायटीज़ और भी हैं, कुछ कुछ चीज़ें और भी आई हैं। भैया ने साथ में अभी राइडिंग गेयर का भी शुरू करा है, सो यार राइडिंग गेयर के ऊपर भी वीडियो जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगी। और जैसे मैंने आपको ये वाला पार्ट भी दिखाया, सो ये जाली भी आपको भैया के पास मिल जाएगी, जिसकी कॉस्ट है 900 रुपीज़ की इसकी भी कॉस्ट थी, और ये भी काफ़ी मतलब एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट दिखा मेरे को। सो आज की वीडियो कितनी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पर आपको बहुत सारी अलग अलग जो वीडियोज़ हैं वो मिलने वाली है। सो भैया बाय बाय कर दो एक बार। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय। Subscribe to the channel for good content and press the bell icon so you never miss a video from Born Creator.